हेलो दोस्तों, मैं रोशन कुमार। आज आपको दोस्तों मैं बताऊंगा कि बेड टाइप टूल टरेट का जो है टूल नंबर कैसे बनाते हैं। ठीक है, कैसे जो है हम बताते हैं कि ये जो है एक नंबर टूल है, ये दो नंबर है, या तीन नंबर है, या चार नंबर है। तो दोस्तों इसको हमको जो है हर टूल का जो है नंबर हमको खुद जो है बनाना पड़ता है कि ये एक नंबर है, दो नंबर है, तीन है या चार है। जो है हमारा जो है टूल टरेट जो है डिस्क टाइप का जो रहता है, डिस्क टाइप का रहता है, उसमें क्या है जो है टूल नंबर जो है लिखा रहता है कि ये एक नंबर है तो एक नंबर टूल है, ये दो नंबर में दो नंबर टूल बांधेंगे, मतलब उसमें टूल नंबर स्पेसिफाई रहता है। ठीक है दोस्तों, मगर इसमें जो है हमारा जो है टूल का नंबर जो है हमको बनाना पड़ता है। तो ठीक है दोस्तों, इसको अगर हमको सपोज कर लीजिए इसको एक नंबर टूल बनाना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका जैसे हमको ऑफसेट लेना है तो जैसे एक चीज बताता हूँ आपको। ठीक है दोस्तों, तो ऑफसेट लेने के दौरान जैसे हमारा ये पीस है, इस पर हमको इसका ऑफसेट लेना है। ठीक है, और इसको बनाना भी है टूल नंबर एक बनाना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हमारा जो यहाँ जो स्क्रीन पे जो है दो नंबर टूल है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमको इसको एक नंबर पहले बनाना है। ठीक है, यहाँ पे टूल, तो इस टूल को एक नंबर बनाने के लिए सबसे पहले हमको हैंडल मोड में इसको जो है जॉब के समीप में लाना होगा, यानी जॉब के नज़दीक में। इस टूल को अगर एक नंबर बनाना है तो इसको यहाँ पे नज़दीक में लाना होगा ऑफसेट के लिए। ठीक है, ऑफसेट लेने के लिए इसको नज़दीक में लाएंगे तो अब इसका जो है हम टूल नंबर चेंज करके बताएंगे, टूल नंबर चेंज होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमको हैंडल मोड में जाना पड़ेगा। हैंडल मोड में जाने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, हैंडल मोड में जाने के बाद इसको जो है मूव करेंगे, इसको एक्स वाला बटन को प्रेस कर लेंगे। उसके बाद जो है इसमें जो है स्पीड जो है हम 100 माइक्रोन का कर लेते हैं। और ये देखो MPG है दोस्तों मेरा, MPG के मदद से हम इसको क्या करेंगे, नीचे कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, MPG के मदद से इसको हम क्या कर लेंगे, नीचे कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है जेड वाला बटन को प्रेस कर लेंगे। जेड वाला बटन को प्रेस करने के बाद दोस्तों, ये जेड वाला बटन को प्रेस करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको जो है जेड में मूव कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे इस टूल को, जो भी टूल को हम टूल का जो है नंबर हमको चेंज करना हो या नंबर बनाना हो, तो हम क्या करेंगे, उस टूल को जॉब के समीप ले आएंगे। ठीक है, ऑफसेट लेते समय। ठीक है दोस्तों, ये टूल नंबर हम ऑफसेट लेते समय बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये एक नंबर हमको इसको बनाना है, तो इसके लिए हम इसको जॉब के नज़दीक ले आएँ। ठीक है, अब हम जो है जॉब के नज़दीक ले आने के बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, जो है MDA यानी MDA मोड में आएंगे। ठीक है दोस्तों, मैनुअल डाटा ऑटोमेटिक। ठीक है, ऐसे MDI होता है तो मैनुअल डाटा इनपुट, इसमें जो है MDA लिखा नहीं है, मैनुअल डाटा ऑटोमेटिक। ठीक है दोस्तों, तो इस जो है बटन को प्रेस कर लेंगे। इस बटन को प्रेस करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे हमारा जो है यहाँ पे लिखा है, देखिए दो नंबर टूल, दो नंबर यहाँ, क्योंकि यहाँ पे अभी दो नंबर टूल है। ठीक है, जो भी टूल होगा वो नंबर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो नंबर है, हमको क्या करना है, इसको जो है हमको एक नंबर बनाना है। तो हम इस कर्सर की के मदद से इसको क्या करेंगे, इसको जो है राइट में जो है इस जो है राइट करेंगे। ठीक है, इस प्रोग्राम को क्या करेंगे, इस जो है दो नंबर को जो है डिलीट कर देंगे, यानी बैक स्पेस से, बैक स्पेस के मदद से हम इसको क्या कर देंगे, मूव कर देंगे। देखिए ये हमारा मूव हो गया। अब हम यहाँ पे चार नंबर लिख देंगे, ये चार मतलब एक नंबर टूल है, एक नंबर बनाना है तो एक नंबर लिख के। ठीक है दोस्तों, एक नंबर आ गया यहाँ पे दोस्तों, देखिए एक नंबर आ गया। उसके बाद इस कर्सर की मदद से इसको हम इंड ऑफ ब्लॉक पे ले आएंगे। इंड ऑफ ब्लॉक पे लाने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे इंड ऑफ ब्लॉक पे आ गया हमारा। इंड ऑफ ब्लॉक पे आने के बाद हमको क्या करना होगा दोस्तों, साइकिल स्टार्ट का बटन को क्या करना होगा, प्रेस कर देना होगा। ठीक है, साइकिल स्टार्ट का बटन प्रेस कर दिए। देखिए दोस्तों, अब हमारा जो है ये बन गया एक नंबर टूल। देखिए ये जो है हमारा एक नंबर टूल बन गया। यहाँ भी देखिए दोस्तों, हमारा जो है ये कितना नंबर टूल हो गया, एक नंबर टूल आ गया। ठीक है, तो हमारा जो है ये एक नंबर टूल बन गया। अब हम जो है इसका ऑफसेट ले लेंगे, ऑफसेट ले लेंगे जो है एक नंबर टूल में जो है हम। देखिए अब जो ऑफसेट वाला बटन प्रेस किए, ऑफसेट वाला बटन प्रेस करने के लिए देखिए दोस्तों यहाँ जो है D1 जो है डायरी नंबर 1। ठीक है दोस्तों, ये जो है हमेशा एक पेज के लिए जो है ये डायरी नंबर 1 हो गया। ठीक है, ये पेज नंबर 1। ठीक है, तो जो है हम एक नंबर टूल में हम इसका क्या करेंगे, अब एक्स वाला और जेड का ऑफसेट ले लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो हम टूल नंबर इस तरह जो है चेंज करते हैं, मतलब न्यू टूल नंबर, जैसे हमको जो भी टूल नंबर बनाना है उस तरह हम टूल नंबर बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।